उत्तर प्रदेश के संभल में कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में कोल्ड स्टोरेज के मालिक रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल शामिल हैं। मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, वहीं 10 लोगों को बचा लिया गया है। हादसा गुरुवार को हुआ, जिसमें जिले के चंदौसी थाना इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत भरभरा कर ढह गई। डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज का ढहने वाला हिस्सा प्रशासन के बिना अनुमति के 3 महीने पहले ही बनाया गया था। इसमें क्षमता से ज्यादा आलू रखा गया था। उन्होंने बताया कि इस बार आलू की बंपर फसल होने के कारण मालिकों ने लालच के चलते ज्यादा बोरे भरने का काम किया, जिससे अधिक किराया आ सके। कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले एक मजदूर कंवरपाल ने बताया कि यहां बेतरतीब तरीके से आलू भरा जा रहा था। हमने मालिकों को बताया कि रैक भर गई है, लेकिन आने जाने के लिए बनी गैलरी में भी लकड़ियों के अतिरिक्त फट्टे लगाकर आलू के बोरे रखे जा रहे थे। इससे एकाएक भार बढ़ा और दबाव बनने पर स्टोरेज के बीच का पिलर तिरछा हो गया। इससे पिलर टूट गया और छत ढह गई। टिन शेड, लोहे के एंगल, आलू के ढेर लोगों के ऊपर गिर गए। मलबे में दबने से 14 लोगों की मौत हो गई। संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि मलबे से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभल पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना। योगी से पहले यूपी सरकार के पशुपालन मंत्री और संभल जिले के प्रभारी धर्मपाल सिंह शुक्रवार की दोपहर में मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार को निलंबित करने के आदेश दिए और जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज के हालात की जाँच करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने और घायलों का फ्री इलाज करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ सीएम ने कमिश्नर मुरादाबाद और डीआईजी मुरादाबाद के नेतृत्व में एक जाँच समिति भी गठित की है। यह समिति कोल्ड स्टोरेज के ढहने के कारणों की जाँच करेगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर कोल्ड स्टोरेज के अंकुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल, एआर कोल्ड स्टोरेज के नाम से ये था, इनके विरुद्ध परसों रात में चंदौसी थाने पे 304 आईपीसी धारा का 11 हत्या का एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें दोनों नामजद अभियुक्तों को चंदौसी पुलिस संभल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कहां से इनको अरेस्ट किया? चंदौसी से ही अरेस्ट किया है, संभल से ही इन लोग को अरेस्ट किया गया है। टीमें हमारी लगी हुई थी, संभल से ही इन लोग को अरेस्ट किया गया है और इस घटना के अंदर टोटल 14 लोगों की डेथ हुई थी। 10 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 4 लोगों का इलाज चल रहा है। तो टोटल 24 लोग बिल्डिंग में दबे हुए थे और जो 14 लोग थे सभी का क्रिमेशन, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई पोस्टमार्टम के उपरांत जो रहता है। और इन लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है, जो लोग अभी हिरासत में दिए गए दोनों मुख्य अभियुक्त, और पूछताछ के उपरांत जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी।